सभी पत्रकार बंधु को नई ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं नमस्कार। बजट इस सरकार के कार्य प्रणाली का एक प्रतिबिंब है। सरकार कैसे चल रही है, सरकार कौन सी दिशा में जा रही है, या तो सरकार का प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, ये बजट भाषण में प्रतिबिंबित होता है। इस बार एक साल तक देश की इकोनॉमी रुकी हुई थी, देश में लॉकडाउन था, कोरोना क्राइसिस थी, उसके बाद देश में फिर से आर्थिक गतिविधि कैसे स्टार्ट करें, कैसे आगे बढ़ाए। एक साल में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ माइनस हुआ था, उसको फिर से हम कैसे पटरी पे चढ़ाएं और उसको कंपनसेट करें, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में हमारा फिनांस मिनिस्टर ने इस साल जो बजट दिया है उसमें कई विशेषताएं हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि देश में आर्थिक गतिविधि को तुरंत ही तेज करनी है तो सरकारी खर्च बढ़ाना। सरकारी खर्च बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक संपत्ति मतलब रोजगारी बढ़ेगी, रोजगारी बढ़ेगी और लोगों के जेब में पैसा आएगा तो खरीद शक्ति बढ़ेगी, खरीद शक्ति बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर से रोजगारी बढ़ेगी और सरकार की तिजोरी में टैक्स भी आएंगे। उसको ध्यान में रखते हुए देश में आर्थिक गतिविधि तेज करने के लिए सरकारी खर्च को बढ़ाना और सरकारी खर्च को बढ़ाने के लिए दो फोकस किया गया है। एक, खर्च किस पर बढ़ाया जाए, तो उसमें हमारी प्राथमिकता इकोनॉमी को बूस्टअप करना है और रोजगार निर्माण करना है। रोजगार निर्माण करने के लिए पहली बार हिंदुस्तान की आजादी के बाद 1,18,000 करोड़ रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्च किया जाएगा, बहुत बड़ी बात है। 1,18,000 करोड़ रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके, जब हमारी सरकार 2014 में बनी थी तब 94,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, आज देश में 2,00,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तब रोजगारी का सृजन होता है और सरकारी खर्च बढ़ता है क्योंकि उसमें सरकारी पूंजी भी लगती है। तो रोजगारी का निर्माण करके फिर से इकोनॉमी को बूस्टअप करना ये आवश्यक है। दूसरा, दोस्तों आपने सुना होगा ये देश में डेवलपमेंट की बात तो होती थी लेकिन कभी हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ी जाती थी। डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हेल्थ, क्योंकि जिस देश के सिटीजन नागरिक हेल्दी नहीं होते, देश के युवा हेल्दी नहीं होते, तो ये देश में देश हेल्दी नहीं होता, देश हेल्दी नहीं होता तो देश डेवलप कैसे होता। तंदुरुस्त भारत तंदुरुस्त डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। देश के डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान के नागरिक की हेल्थ कैसे अच्छी रहे, उसके लिए आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 10 करोड़ फैमिली को आयुष्मान भारत योजना की कवरेज में ले लेना, यानी कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना। यानी कि ओबामा ने आज से 6 साल पहले ओबामा केयर करके स्कीम निकाली और 10 करोड़ अमेरिकन लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी थी और सारे विश्व में ओबामा केयर करके उसकी योजना, उसकी स्कीम पॉपुलर हुई थी। दोस्तों ये 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों के लिए मोदी जी ने हेल्थ केयर योजना निकाली आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से। गरीब परिवार को
5 लाख तक कोई भी बीमारी हो तो उसका इलाज भारत सरकार की तिजोरी से हो जाए, वो छोटी बात नहीं है। देश में हेल्थ का बजट बढ़ाकर 97 लाख से बढ़ाकर 2,15,000 कर दिया, बहुत बड़ी बात है। देश के हेल्थ, देश के नागरिक हेल्दी होना चाहिए, रूरल दूर सुदूर गांव तक हेल्थ एक्सेस होना चाहिए, लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति जी के भाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा और आपके स्टेट में भी जनऔषधि स्टोर खुले हुए हैं। देश में 7,500 जनऔषधि स्टोर के माध्यम से अफोर्डेबल और क्वालिटी और एकदम सस्ती मेडिसिन आज के दिन में लोगों को उपलब्ध हो रही है। हेल्थ सिक्योरिटी के लिए माइसेल्फ लुकिंग फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री एल्सो आज 1,018 मेडिसिन की प्राइस हमने कैप कर दिया है, उसकी सीलिंग प्राइस हमने फिक्स कर दिया, उससे ज्यादा पैसा कोई भी नहीं ले सकता। कंपनी उसका प्रोडक्शन उसके ऊपर प्राइस ही उससे ज्यादा नहीं लगा सकती। ऐसा करके स्टेंट, हार्ट में लगाने वाले स्टेंट, उसका प्राइस जो पहले 1-1.5 लाख रुपीज में मिलता था आज वो 50-60,000 रुपीज में मिल रहा है। एकदम क्वालिटी स्टेंट लोगों को हार्ट में लगाने के लिए मिले। नील प्लांट्स की भी प्राइस, सीलिंग प्राइस भारत सरकार ने फिक्स कर दी है। कैंसर की मेडिसिन की भी प्राइस भारत सरकार ने फिक्स कर दी है और उसका लाभ जनता को मिले और देश के नागरिक का हेल्थ अच्छा रहे, इसके लिए 2,15,000 करोड़ रुपीस इस बार बजट में एलोकेशन किया। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे इन्वेस्ट करना, जैसा रोड इट्स वन टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह पोर्ट इट्स वन टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, उस दिशा में हमने काम चालू किया है, वो ये है जमुना रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसको बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, और उसकी कनेक्टिविटी एक ट्रिब्यूटरी के माध्यम से सोनामुरा में भी होती है। रिवर का नाम क्या है? गोमती रिवर। एक गोमती रिवर पर आज के दिन में हमने एक छोटा फ्लोटिंग जेटी बनाई है, वहां टर्मिनल बनाना है। इस साल ही अगले दिनों में मुझे शिलान्यास करना है, इस बजट में हमने उसकी व्यवस्था की। सोनामुरा से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से गोमती रिवर को जमुना रिवर में मिले, जमुना रिवर के माध्यम से हल्दिया, हल्दिया से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से 1400 किलोमीटर बनारस मींस आपके त्रिपुरा में आपका पाइनएपल फ्रूट सारे देश में आज पॉपुलर हो रहा है, उस सारे शेष भारत में यहां से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से उपलब्ध हो। आपके यहाँ रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, अगले दिनों में वाटरवेज कनेक्टिविटी, अगले दिनों में मींस ये ही साल में, ये बजट के में हमने प्रावधान किया है, इस साल में हम ये भी वाटरवेज कनेक्टिविटी भी हम सुनिश्चित कर देंगे, जिसके माध्यम से सोनामुरा से हम शेष भारत के साथ वाटरवेज के माध्यम से भी जुड़ जाएंगे।